गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मौन विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को संस्कृत पाठ दो मूर्ख काका का एक पैराग्राफ पढ़ा दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक कौवा था और बहुत भूखा था। उसे बहुत ढूंढने के बाद एक रोटी मिली। वो उसे अपने पैरों से पकड़ करके अपने चोंच में दबा कर एक पेड़ की डाल पर बैठ करके सोचा कि अभी रोटी खाएगा ही। तभी एक लोमड़ी उधर से आ गई। लोमड़ी भी बहुत भूखी थी। ये कहानी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी बच्चों, लेकिन संस्कृत में है, या फिर ध्यान से देखिएगा। जब लोमड़ी ने कौवे के मुंह में रोटी देखी तो उसे लालच आ गया और उसने लोमड़ी से वो रोटी पाने के लिए पाने का एक उपाय सोचा। अब लोमड़ी जो है कौवे की खुशामद कहने में जुट गई। तदा सा लोमसा उपायम अचिंतयत। तदा मतलब तब, सा लोमसा उस लोमड़ी ने उपाय सोचा। उपायम अचिंतयत, अचिंतयत सोचा। सा काकम अवदत, उसने कौवे से कहा, भो काक तुम अति सुंदर असि। अरे कौवे, तुम बहुत सुंदर हो। तव श्याम वर्ण अति आकर्षक अस्ति, तुम्हारा काला रंग बहुत ही आकर्षक एट्रैक्टिव है। तव मधुरम गीतम गायसि, तुम बहुत मीठा गाते हो। अहम तव मधुरम गीतम श्रोतुम इच्छामि। श्रोतुम तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय जिसमें लगता है उसका अर्थ होता है के लिए। श्रु मतलब सुनना, श्रोतुम, श्रोतुम मतलब सुनने के लिए। हे काका, अहम तव मधुरम गीतम श्रोतुम इच्छामि, मैं तुम्हारा मधुर गाना सुनना चाहती हूँ। अतः अत्र एव आगच्छम, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। स्व प्रशंसा श्रुत्वा काका अति प्रसन्न अभवत, अपनी प्रशंसा सुनकर के कौवा बहुत खुश हो गया। तो इसलिए बच्चों, जब कोई फालतू में प्रशंसा करे तो समझ जाओ, जरूर सोचना जरूर चाहिए कि वो प्रशंसा सही में कर रहा है या ऐसी तुम्हें बना रहा है। कौवे को तो पता है कि वो काँ काँ करता है, वो तो गाना गा नहीं सकता, लेकिन अपनी प्रशंसा सुन करके वो फूला नहीं समाया, बहुत खुश हो गया। यदा स काँ काँ अपना गाना सुनाने के लिए, कौवा क्या गाएगा, काँ काँ ही तो करेगा ना, काँ काँ करना शुरू किया। आ गाया तदा तस मुखात रोटी का भूमा उपजा, जैसे उसने गाना गाने के लिए मुँह खोला तभी रोटी उसके मुँह से गिर गई। चतुरा लोमसा अति प्रसन्ना भवत, चालाक लोमड़ी बहुत खुश हो गई। सार सुखेन रोटी काम अखादत, उसने बहुत आराम से उस रोटी को अपने मुँह में उठाया, खाने लगी और खा लिया। अनंतरम से काकम अवदत, और फिर उसके बाद में उसने कौवे से कहा, गीतेन सा भोजन कृते धन्यवाद, गीत के साथ रोटी खिलाने भोजन कराने के लिए शुक्रिया धन्यवाद। काका निःशब्द अभवत, निःशब्द क्वाइट कुछ नहीं बोल पाया, क्योंकि अपनी प्रशंसा पाने के चक्कर में उसने अपनी रोटी अपना जो आहार था उसे भी गवा दिया। तो बच्चे, आप लोगों की मूर्ख काका कहानी है। आज मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, रीड चैप्टर 2 मूर्ख काका, लर्न वर्ड मीनिंग। जो शब्दार्थ आप लोगों का दिया हुआ है, ये सारे शब्दार्थ आप लोग हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आप लोग इसे याद करेंगे। और उसके बाद जो ग्रीक आयत में है, जो आपका प्रश्न नंबर 3 सत्यम असत्यम वा, ये आपको बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर बॉक्स में आपको टिक मार्क कर देना। प्रश्न 3 ये आपको बुक में बॉक्स में आपको टिक मार्क करना, अगर सत्य है तो सही का चिन्ह और गलत है तो क्रॉस लगा दीजिएगा। उसके बाद मैशी खादितुम, खादनार्थम, हर्षे, ये भी आप लोग बुक में बना लेंगे। कॉपी में क्या क्या बनाना है ये मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊँगी बच्चों। तब तक के लिए खुश रहिए, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।